तो आप भी अपने नॉर्मल फोटो के इस टाइप का एडिटिंग करना चाहते हो सबसे हमको तीन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक है फोटो रूम, दूसरा है रेमिनी, तीसरा है लाइट रूम। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ कैसे सिंपल तरीके से आपको एडिट करना सिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो तो अपना फोटो को ले लेना है फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो ये फोटो रूम एप्लीकेशन तो इसमें आपको फोटो को शेयर कर लेना है। उसके बाद शेयर करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे ए वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसका बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है। उसके नीचे जो ब्लर वाला ऑप्शन इसको ऑन कर देना है। तो बैकग्राउंड डीएसएलआर जैसा आपको ब्लर मिल जाएगा देखने के। उसके बाद ऊपर में शेयर वाला जो ऑप्शन है ना, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने नीचे सेव वाला ऑप्शन से इसको सेव कर लेना है। यहाँ से आपको होम पर चलाना है। दूसरा स्टेप है ये वाला फोटो गैलरी में आ जाएगा, तो उसको वहाँ से आपको ले लेना है। यहाँ से आपको रिमिनी एप्लीकेशन में इसको आपको शेयर करना पड़ेगा। रिमिनी एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल फोटो एचडी में हो जाएगा, तो उसके लिए ये वाला एप्लीकेशन आपको आना पड़ेगा। तो ये रिमिनी एप्लीकेशन, तो इसमें क्लिक कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करना यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से। तो उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो आफ्टर बिफोर भाई। उसके बाद यहाँ से जब हो जाएगा तो यहाँ से आपको फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको लाइट रूम एप्लीकेशन में इस वाला फोटो को शेयर करना पड़ेगा। तो ये वाला फोटो जब गैलरी में आ गया तो इसमें आपको क्लिक करके आपको लाइट रूम एप्लीकेशन में ये वाला फोटो को शेयर कर लेना है। तो नीचे जो शेयर वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ से लाइट रूम एप्लीकेशन में इसको यहाँ से शेयर कर देना है। तो उसके बाद ऊपर में जो नोटिफिकेशन बार है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से ओपन हो जाएगा लाइट रूम। तो उसके बाद ऑल में क्लिक करके आपको ये वाला फोटो को आपको यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ से साइड में स्क्रॉल करके एक ऑप्शन दिखने मिलेगा, ये वाला ऑप्शन में क्लिक करके ये दोनों ऑप्शन को यहाँ से आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से आपको लाइट वाला ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ से आपको लाइट को कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, हाईलाइट को अपने फोटो के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना है। तो यहाँ पर आप सेटिंग देख सकते हो अपने हिसाब से फोटो के हिसाब से कर लेना कम ज़्यादा करके। तो उसके बाद ऊपर में जो मिक्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके, तो सबसे पहले आपके जो फेस का कलर, तो पहले जो फेस का कलर इसमें एक बार ट्राई करके देख लेते। तो इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाओगे तो फेस का कलर कुछ ज़्यादा ही गोरा हो जाएगा, कम करोगे तो बहुत ही बेकार आ जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपको ग्रीन कलर देख रहे हो ये बैकग्राउंड के लिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करोगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड कलर आ रहा है, और यहाँ से आपको प्लस करोगे तो आपको ग्रीन कलर आ रहा है। तो इस दिन जो मर्जी अपने हिसाब से आपको यहाँ से कलर ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा करके देख लेना। उसके बाद यहाँ पे शर्ट का कलर यहाँ से देख रहे हो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से नीचे वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको कम ज़्यादा करके अपने जो कलर अच्छा लगेगा इसको वही कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर में शेयर वाला ऑप्शन है, वीडियो को नीचे से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आज के वीडियो बस इतना ही था। ये वाला वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो तब तक के लिए भाई नेक्स्ट वीडियो मिलते जल्दी।